اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك درود چشتیا باری تعالی ہم سب پر اپنی سلامتی رحمت اور برکت نازل فرما آمین اللهم آمین پچھلی بات چیت میں یہ بات हो चुकी है कि तसव्वुफ अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी किसी मज़हब में नहीं समाते। सारे मज़हब, अब चाहे उसे तसव्वुफ कहिए, चाहे अध्यात्म कहिए, चाहे स्पिरिचुअलिटी कहिए, उसमें समा जाते हैं तमाम मज़हब, क्योंकि और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आसमानी किताबों के लफ्ज ही बदले हुए पाएंगे, उसका मर्म, उसका संदेश, उसका पैगाम, चाहे वो अरबी में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे हिब्रू जुबान में हो, चाहे और किसी जुबान में हो, सबका पैगाम एक ही है। बस किसी भी आसमानी किताब को गहराई से उसके छुपे हुए मायने के साथ समझने की जरूरत है। तो आज के दिन हम श्री गुरु ग्रंथ साहब पहली सेंची, पहला हिस्सा की, जो कि डॉक्टर जोध सिंह के जरिए लिखी गई है। अब आप, एक चीज होती है जिसे बोला जाता है कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। देखते जाइए, समझते जाइए कि कुरान में, कुरान के पैगाम में, गीता के पैगाम में, बाइबल के पैगाम में, या गुरु ग्रंथ साहब के पैगाम में हकीकी तौर पर क्या कुछ फर्क है, क्या कुछ फर्क है। अफवाहों पर, रस्मों पर, रिवाजों पर यकीन करके कहीं आप धार्मिक होने को तो छोड़िए, कहीं आप इंसानियत के दायरे से भी तो नीचे नहीं जा रहे। इस बात का आप ख्याल रखिए। आज कुछ शुरुआत में बात करते हैं जो डॉक्टर जोध सिंह ने लिखा, फरमाया। ये पाठ जपू जी कहलाता है। अरे यार, जिन लोगों ने वो देखी होगी ना यार, आमिर खान की एक फिल्म थी, पता नहीं कौन सी, रंग दे बसंती, हाँ रंग दे बसंती, उन्हें ये अच्छी तरह याद होगा। बहुत ही मार्मिक ढंग से उसमें कहा गया था, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच, सोचे सोची ना हो वही जे सोची लखवार, चुप्पे चुप ना हो वही जे लाई रहा लिवतार, भूक्या भूख ना उतरी जे बना पुरिया भार, सहस
सियाणपा लख होई ता इक ना चले नाली, किव सचियारा होइए किव कूड़े लुटे पाली। हुक्मे रजाई चलिया लानक लिखिया नाली। हुक्म तो उस रजा वाले का ही चलेगा। कुन कुन फयाकुन, वो पर ब्रह्म, ब्रह्म से भी परे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा विष्णु का महेश कहा जाता है ना। अब एक दूसरे पहलू से जिक्र हो रहा है जात का। वो ब्रह्म से परे परमात्मा रूह की आखिरी हालत परम आत्मा, उसका नाम सच्चा है। वो इस कायनात का, अच्छा यहां मैं रोक के एक बात जरूरी कह दूं कि जिन लफ्जों का इस तसव्वुफ के खादिम को ट्रांसलेशन मालूम है, जो आसानी से की जा सकती है या मालूम है, वैसे तो ये गुलाम बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ जानता है, थोड़ा बहुत, वो आपके सामने अर्ज कर देता है। और मानता नहीं है, मानता तो किसी की नहीं, ये तो जो लिखा हुआ है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, उसको तजुर्बे में लाकर जान लेता है, तब आपके सामने बयान करता है। और ये उम्मीद भी लगाता है कि आप भी उसे खाली माने ना। खाली मानने वाला समझदार नहीं होता, आप उसे जाने, अपने तजुर्बे से जाने। उसका नाम सच्चा है, वो कायनात का बनाने वाला और हर जगह मौजूद है। वो निर्भय जिसे कोई डर ना हो, एक होता है अभय, एक होता है निर्भय। ये दो लफ्ज हिंदी के हैं। वो निर्भय और निर्वैर। अबे यार तसव्वुफ की बातों पे नफ्स अम्मारा की एक हजरत में आता कीना और एक आता बुग्ज। बुग्ज का और कीना का मकसद निर्वैरी तो है, शत्रु भाव से आजाद है, दुश्मनी करता ही नहीं वो किसी से। सौंदर्य रूप में वो कालातीत है, वक्त से परे। खूबसूरती में वो पूरी कायनात से बढ़कर है। वो अजन्मा है। कुल हुल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और खुद रोशन है, यानी अपने आप से रोशन है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में रोशन है। उसे गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जाता है। सिर्फ मुर्शिद की रहनुमाई से ही उसे पाया जाता है, जो अपने आप रोशन है, जो ना कभी पैदा हुआ, वक्त से पार है, दुश्मनी के ख्याल से भी आज़ाद है, निडर है, हर जगह मौजूद है, इस कायनात का बनाने वाला है। उसका नाम सच है, वो ब्रह्म से भी परे है। ये उसकी पहचान
माफ कीजिएगा, पहचान बताई गई हैं। वक्त के पार परमात्मा सत्य रूप में प्रारंभ से ही है। एक शब्द होता प्रारंभ, एक शब्द होता आरंभ। दरअसल यहां पर शब्द होना चाहिए था, क्योंकि ये टीका है इसलिए यहां पर शब्द प्रारंभ नहीं होना चाहिए था, आरंभ होना चाहिए था। प्रारंभ का मकसद होता है जो दोबारा शुरू हो, आरंभ का मकसद जो शुरू से शुरू हो। तो अगर यहां पर इस बात को हम समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा कि वक्त के पार बारी ताला हक के रूप में आरंभ से ही है, युगों के आरंभ से भी मौजूद है। अब देखिए यहां आरंभ आ गया, जो पहले चूक थी वो सुधार कर ली गई। जब युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, कोई भी युग शुरू नहीं हुआ था जो कई कई हजार साल सालों का हुआ, जब वो नहीं था तब भी वो था, हाल में भी वर्तमान में भी सत्य ही स्थित है, वो हक ही हाल में प्रेजेंट में मौजूद है। और हे नानक, भविष्य में भी फ्यूचर में भी सत्य ही बना रहेगा, आदि सच्ची जुगादि सच्चे। शरीर को तीर्थों बार, शरीर को जिस्म को तीर्थों पर गंगा स्नान, जमुना स्नान, हरिद्वार स्नान, लाखों बार स्नान कराने मात्र से सिर्फ, अच्छा ऐसे समझ भी लीजिए कि चुल्लू भर पानी मन पर न डाला, तन पर दरिया बहाया रे, रहा तू मैले का मैला, ऐसा कैसा नहाया रे। चाहे आप हरिद्वार स्नान कर लें, चाहे गंगा जी में डुबकी मार लें, नहीं होता। शरीर को जिस्म को चंदन के लेप बनाकर उसको खुशबूदार करने से ही सिर्फ मन के पाक होने की उम्मीद पूरी नहीं होती। कमाल की बात फरमाई गई है, तहे दिल से शुक्रिया। और आज के समाज में आप देखेंगे हरिद्वार, गंगोत्री, जमजम, जिसे जो लग रहा है धर्माधिकारियों ने, मजहब के ठेकेदारों ने जो परंपरा शुरू कर दी, बस वही करे जा रहा है। कंदराओं की निजान निर्जनता कंदरा यानी गुफा, गुफा का अकेलापन चुप भी मन के क्रियाकलापों को, मन के कामों को, मन चलता ही रहता है, एक मिनट नहीं रुकता, रोकने में बेकाबू है। वर्षों की समाधियां भी, सालों से एक ही जगह बैठे हैं, समाधिस्थ हुए हैं, वर्षों की समाधियां भी अनंत मन के प्रबल वेग के सामने टूट जाती हैं। अब ये रंभा, शंभा, मेनका, उर्वशी, इनको क्या पड़ी थी यार किसी की तपस्या भंग करने की। आफताबे औलिया के अल्फाजों में, लक्स साबुन का नाम सुना नहीं और स्वर्ग की अप्सराएं आकर नृत्य करके समाधिस्थ व्यक्ति की, जो समाधि में है उसकी समाधि तोड़ने की कोशिश करती हैं,
कहां स्वर्ग की अप्सराएं हैं जो आ रही हैं। वो बेचारा महीनों से समाधि में बैठा हुआ है, नहाया नहीं है, उसके ऊपर कहां से रीज जाएंगी? कोई और नहीं मिला उन्हें नहाया धोया आदमी? मार रहा मुझे, खूब मारो, खूब गालियां दो, लानते दो, गालियां दो। वो तो तुम्हारी दौलत है यार, तुम अपनी दौलत देते हो मुझे। समस्त पुरियों की समस्त संपत्ति को ले जाने की भी यदि इस मन को आज्ञा मिल जाए तब भी ये पीछे नहीं हटेगा, और लालच से भरा हुआ ये मन की भूख फिर भी बनी रहेगी। अपनी अक्ल के चालाकी से हजारों लाखों तरीके से ये मन अक्ल को इस्तेमाल करता है, पर फिर भी मन का खोखलापन प्रकट हो ही जाता है, जाहिर हो जाता है कि यार कहीं कुछ कमी है। जीव जंतु सारी कायनात उसी के हुक्म से उत्पन्न होकर, अब ये थोड़ी काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है, सब लोग सारे जीव जंतु कायनात का हर हैवानात जमादात नबातात में जो भी आता है वो सब इसी के हुक्म, अगर कुरान से समझना है तो आप समझिए कि इसके कुन कहने से, इसके कुन फयाकुन कहने से, और अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब से सुनना है समझना है तो जीव जंतु उसी हुक्म से उत्पन्न होकर उसी में चलते हुए बड़प्पन के अधिकारी बनते हैं, उत्तम माने जाने वाले एवं तथा कथित नीच समझे जाने वाले सब एक ही परमात्मा के हुक्म के हैं। कुर्बान लफ्ज तो है यहां पर, प्रकटीकरण है। इसे समझने के लिए प्रकटीकरण का मकसद होता है जाहिर होने का जरिया, जो उसके हुक्म कुन फयाकुन के अधीन के अंडर रहकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त करते हैं। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो ट्रांसलेशन, तर्जुमा और व्याख्या जो डॉक्टर जोध सिंह ने के द्वारा की गई है, उसके कुछ मामूली हिस्से, छोटे छोटे हिस्से आपके सामने पेश किए। मकसद सिर्फ एक है, मरकज़े तसव्वुफ़ का मकसद एक है, आदमी को जगा देना, इंसान को जगा देना, किसी तरीके से जाग जाए वो, किसी भी तरीके से। और छोटे से 2 मिनट आपके और लेगा ये गुलाम, पढ़ता है बहुत पढ़ता है, कहीं से भी खोल लो, आफ्ताबे औलिया का एक फरमान मैंने पढ़ा, सारे सियाने एक मत मूरख अलग अलग। जितने भी समझदार लोग हैं
उनका ख्याल एक ही है, और जो मूर्ख हैं उन्होंने अलग अलग धर्म, अलग अलग फिरके, अलग अलग गिरोह बना रखे हैं। आदरणीय श्री विनोद दुआ से प्रेरणा लेते हुए जनाब अनवर सुहेल साहब की, जो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आपको जगाने की गरज से, आपको आपके अंदर एहसास का मादा पैदा हो, इस गरज से एक छोटी सी कविता आखिर में आपकी खिदमत में पेश है। कविता का उन्वान है चाहते। ये नफरतें, ये जुल्मतें, ये लानतें, मलामतें, ये तोहमतें, कुछ इंसान इसी पूंजी के बल बिसात बिछाकर शिखर पुरुष बन बैठते हैं, और ऐसे कठिन समय में हम कैसे बुरबक हैं जी, पागल ज्यादा बोलने वाला बुरबक, जो खोज रहे हैं मोहब्बतें मोहब्बतें मोहब्बतें। अनवर सुहेल का साहब का शुक्रिया अदा करते हुए ये गुलाम इजाजत चाहता है। यकीनन आज की बातचीत किसको पसंद आती है, किसको नापसंद आती है, कौन तारीफ करता है, कौन लानते भेजता है, इससे इस सूफी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो यहां पर कुछ और ही पका रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं ना, आप ना जाने क्या क्या सोचे। आपकी सोच पर इस गुलाम का हक कोई नहीं है, इस खादिम का, कि आपकी सोच को बदल सके। ऐसी कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई है। तो जो आपकी सोच है, आप जो अपनी सोच से सोच रहे हैं, क्या आपकी वो सोच बिल्कुल आसमानी किताबों के मुताबिक है? आर यू श्योर? पक्का? हजरत मौला अली का फरमान है, जो जिस बात को नहीं जानता वो उससे इनकार करता है। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं है, ना जानने के बूते पर इनकार कर रहे हो? पहले जरा, फिर देखते हैं कौन कितनी गहराई तक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यार सुन लेते हो तो कह देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।